बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, खुश आमदीद कहता हूँ आप सबको हाइब्रिड इंफॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में। व्यूवर्स, एजुकेशन इंफॉर्मेशन और फास्ट फेफर के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। व्यूवर्स, आज एक और एजुकेशन इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए लेके आओ। ऑल प्राइमरी स्कूल टीचर एसोसिएशन का असम्बली के सामने धरना जारी है। व्यूवर्स, धरना मुतालिबात मंजूरी तक जारी रहेगा। व्यूवर्स, केपीके गवर्नमेंट ने असातिज़ा पर शेलिंग भी की। व्यूवर्स, हम सब टीचर उसके मजम्मत कर लेते हैं, क्योंकि टीचर्स के ख़िलाफ़ इस तरह शेलिंग करना बिल्कुल नामुनासिब है। व्यूवर्स, ये कॉल दिए हुए प्राइमरी असातिज़ा आज असेंबली के सामने धरना देंगे। स्कूलों की ताला बंदी, धरना मुतालिबात मंजूरी तक जारी रहेगा। इप्टा ने प्राइमरी स्कूल इप्टा आल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन ने प्राइमरी स्कूल गैर महीना मुद्दत तक बंद कर दी। व्यूवर्स, खैबर पख्तूनख्वा प्राइमरी स्कूलों के असातिज़ा आज अपने मुतालिबात की मंजूरी के लिए सूबाई असेंबली के सामने गैर महीना मुद्दत के लिए धरना देंगे। बल्कि धरना शुरू हो चुका है, आज उसका पहला दिन है। व्यूवर्स, कल से तमाम स्कूलों को तालाबंदी भी की जाएगी। आल प्राइमरी टीचर एसोसिएशन के सूबाई सदर अजीज़ुल्ला खान के मुताबिक गुज़िश्ता चार साल से प्राइमरी स्कूल के असातिज़ा सर्विस रूल्स 2018 के मुताबिक बुनियादी स्केल 15 मांग रहे हैं। मुतालिका फोरम ने हमारे मुतालिबात को जायज़ भी करार दिया, ताहम मुतालिबात की मंजूरी में लेत वलाल से काम लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे मुतालिबात का सरकारी एलामिया जारी नहीं किया जाता, धरना जारी रहेगा और मर्दाना प्राइमरी स्कूल बंद रहेंगे। व्यूवर्स, एजुकेशन के लिहाज से एक लेटेस्ट खबर थी कि केपीके में आल प्राइमरी स्कूल टीचर का धरना जारी है। व्यूवर्स, जितने भी टीचर्स हैं सब उसमें शमूलियत इख्तियार करें, ताकि जितने भी टीचर हैं उसको बेसिक 15 स्केल मिल जाए, क्योंकि 2018 रूल्स के सर्विस रूल्स के मुताबिक 15 स्केल मांग रही है, और मुख्तलिफ जो फोरम पे उसने इसको जायज़ करार दिया है। व्यूवर्स, ये एक लेटेस्ट खबर थी एजुकेशन के हवाले से। मज़ीद एजुकेशन इंफॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया।